नमस्कार दोस्तों, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं फिर से भूमेंद्र कुमार देवांगन आपका स्वागत करता हूं। और सबसे लेटेस्ट वीडियो और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो जल्दी जल्दी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं वो है लक्षांश कोचिंग क्लासेस। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको नए नए जो वीडियो इम्पॉर्टेंट जो कि लेटेस्ट अपडेटेड डाला जाते हैं इसके नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त करना है तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर टच करें, प्रेस करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आज 11 तारीख के जो रिज़ल्ट आया हुआ है, साथ ही एक 9 तारीख को रिज़ल्ट जो है तीन तीन का आया हुआ है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। और ये जो वीडियो है वो विथहेल्ड वालों के लिए है, क्योंकि विथहेल्ड जो रुके हुए परिणाम है बहुत सारे लोगों का अभी भी बाकी है। जबकि सप्ली का फॉर्म 13 तारीख शुक्रवार से स्टार्ट होने वाला है, इसके बावजूद भी जो है कई लोगों का रिज़ल्ट अभी जो है विथहेल्ड है ना, तो वह जो है फॉर्म भरे कि नहीं भरे इस असमंजस की स्थिति में हैं। तो उनके लिए जो है ऑप्शंस दिया गया है कि कैसे करना है उनको, तो उनके लिए ऑप्शन जो दिया है उसके बारे में मैंने जो है अपनी पुरानी वीडियो जो कि सप्ली एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्टेड करके मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर आपको डिटेल वहां पर मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, साथ ही आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के जो रिज़ल्ट है उसको मैं जो है आपको बताता हूँ, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी ब्राउज़र के मदद से PRSU के इस वेबसाइट पर पहुंच जाना है और डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दिया रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, तो देखिए मैंने ओपन किया हुआ है विथहेल्ड रिज़ल्ट का, तो यहाँ पर जो है 1754 नंबर का जो है रिज़ल्ट नोटिफिकेशन है विथहेल्ड का, जो कि 11 सितंबर 2019 का है। इसको टच करते हैं, टच करने पर डाउनलोड की बात करता है तो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन होगा तो देख सकते हैं आप जो है गोपनीय या फिर रोके गए रुके हुए परिणाम 2019 की बात करते हैं, 11 सितंबर 2019 को आया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है परीक्षा परिणाम दिया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक तरफ रोल नंबर दिया है, बीच में छात्रा का नाम दिया है या छात्रा का नाम और परिणाम दिया हुआ है, साथ ही इसमें जो है सेंटर भी आपको दे दिया है कि आप किस सेंटर में जो है एग्ज़ाम दिलाने गए थे। तो देखिए इसमें सब दिया हुआ है आपका, यहाँ पर लगभग कितना पेज है, तीन पेज है, चौथा पेज ब्लैंक दिख रहा है, तो तीन पेज है इसमें। आप अपना जो है रोल नंबर जाकर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ रायपुर की बात करें, यहाँ पर लिखा है जैसे कि गवर्नमेंट काव्योपाध्याय हीरालाल कॉलेज अभनपुर रायपुर, तो इसका है ना, तो इनका पास कर दिया गया है राहुल कुमार साहू का। उसी प्रकार आगे भी दिया हुआ है डॉक्टर राधाबाई गवर्नमेंट नवीन कन्या महाविद्यालय पुरानी बस्ती जो रायपुर है ना, और भाटा गांव में इनका जो है सेंटर गया था देवेंद्र कुमार जगत का, तो ये फेल, परीक्षा परिणाम इनका फेल आ गया है। तो ऐसे ही ये सब जो है अलग अलग दिया हुआ है, तो राजिम का है, रायपुर का है, कुरूद धमतरी का है, और आपका अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट से भी है। देवभोग का देखिए कितने लोगों का रुका हुआ था, इसमें मार्क्स करेक्टेड लिखा है, फेल टू सप्ली, अब फेल रहा होगा पहले रिजल्ट, अब सप्ली कर दिया गया है, वो भी हिस्ट्री में फर्स्ट चांस में है। इसके बाद सप्ली टू पास VCG का अर्थ तो नहीं पता लेकिन पास हो गए हैं ये, ऐसा है। इसके बाद देखिए इन लोग सप्ली हो गए हैं, मार्क्स करेक्टेड किया गया है, फेल से सप्ली किया गया है हिंदी इंग्लिश में, तो ये सब है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं अपना। साथ ही आपको एक और बताता हूँ, देखिए आप 1748, 1750 और 1753 लगातार तीन जो है 9 सितंबर 2019 को आया था। इसका वीडियो मैं नहीं बना पाया था, इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं किन लोगों का इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए BA पार्ट वन का दिया हुआ है सबसे पहले, पलारी का दिया है, महासमुंद का, रायपुर का, ये सब दिया हुआ है। फिर BA पार्ट टू का दिया है, BA पार्ट टू का दिया हुआ है, BA पार्ट थ्री का दिया है, BSc पार्ट वन, BSc पार्ट टू, BCom पार्ट वन, MCom प्रीवियस एग्ज़ाम, MCom फाइनल, MA सोशियोलॉजी, MA इकोनॉमिक्स, MA सोशियोलॉजी, MA हिंदी है ना प्रीवियस फाइनल, MA हिंदी का फाइनल, MA हिंदी, MA इंग्लिश फाइनल, BEd सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम इनका दिया हुआ है, BEd फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम जिनका भी रोका गया था वो सब जो है यहाँ पर दिया हुआ है, और एक दिया है BBA सिक्स्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो इन सब का जिनका रोका गया था तो उनका रिज़ल्ट भी यहाँ पर आ चुका है, तो आप देख सकते हैं भाई। जिनको नहीं पता होगा उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल भी इसको एक शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता है, तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए और नए लोग जो है
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो है PRSU का जो एग्ज़ाम फॉर्म जो भरना है, सप्ली का, वो भी कैसे भरना है, क्या करना है, ये सब भी जो है मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो ऐसे आपको जो है आपको नोटिफिकेशन बिल प्रेस करके रखना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। देखते हैं आगे, फिर देखिए यहाँ पर और 9 तारीख को ही आया हुआ है, उसका है तुम्हारा आपका शास्त्री फर्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम, शास्त्री सेकंड ईयर एनुअल एग्ज़ाम, तो ये शास्त्री वाले लोगों का है। साथ ही एक थर्ड और देख लेते हैं, तो थर्ड का इसको डाउनलोड करने होने देते हैं। तब तक अपन बात कर लेते हैं कि देखिए रिवॉल्यूशन का जो है आपका BCOM और BSc और BA तीनों के फाइनल ईयर का आ चुका है, और अब बात करें रिटोटलिंग का तो वहाँ पर BCOM और BSc फाइनल ईयर का आया हुआ है, बाकी सब का अभी भी आना बाकी है। तो आपको जो है अगर आप BA या फिर BSc या BCOM ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं, तो आपको ये जो है रिज़ल्ट कैसे आएगा, तो कब आएगा, ये तो खैर सभी लोगों को नहीं पता है। यूनिवर्सिटी इसको अपलोड करेगी, साथ ही साथ नोटिफिकेशन जैसे ही आता है उसका, तो मैं वीडियो बनाकर तुरंत प्रोवाइड करता हूँ। सबसे फास्ट वीडियो आपको यहाँ पर PRSU का मिलेगा इस चैनल पे, तो कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले भाई हमारे चैनल को, है ना। और कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, आप पहले से कमेंट हुए सेक्शन पर जा कर देख सकते हैं, प्रत्येक वीडियो में हर एक व्यक्ति के रिप्लाई दिया जाता है उनको, है ना, जो भी सजेशन दिया जाता है उनसे वो सेटिस्फाइड रहते हैं। साथ ही साथ बात ये है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है तभी वो पूछ रहे हैं, तो आप भी अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो भी हमको जानकारी होगी और जो वास्तविकता होगी वही हम बताएंगे, आपको गुमराह बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखिए आगे यहाँ पर ये एक और आ गया है, यहाँ पर BA Part 1 BA Part 2 दुर्गा महाविद्यालय का है, यहाँ पर विवेकानंद महाविद्यालय भानसोच का है, और गांधी चौक महंत लक्ष्मी नारायण कॉलेज गुरुकुल महिला महाविद्यालय, इन सब में से आया हुआ है BSc Part 1 का, Part 1 Part 2 Part 3 BSc का, है ना, BCOM Part 1 का, MA Economics का फाइनल प्रीवियस दोनों, MA Sociology का प्रीवियस, साथ ही फाइनल भी है, MA English, इन सब का जो है आया हुआ है, BA LLB, MSc Biotechnology, MA Economics। तो जो दोस्त हैं हमारे ये सब जो है जिनने भी, तो उन तक शेयर कीजिए, जिनको नहीं पता है तो कृपया दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो कृपया आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्षांश कोचिंग क्लासेस।